गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, आपके बीच लाइव आया हूँ। आज का चैप्टर नंबर सिस्टम है और मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि मैं आपके लिए दो वीडियो बनाऊँ, ठीक है। इसमें क्या है, मैं 2017, 2018, 2019 और 2020 के एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चन आज गलती से बेसिक वाले टाइप कर दिए हैं बच्चे ने, तो जो बेसिक सवाल होंगे उनको अपने आप कर लीजिएगा, जो अच्छे सवाल है वो सारे मैं आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। मैं चाहूँ तो छोड़ सकता हूँ लेकिन थोड़ा समझा दे रहा हूँ। देखिए, सुनिए, समझिए, देखिएगा। सवाल ये, देखो यहाँ लिखा है 11 का नियम। आप सभी को पता है 11 का नियम क्या होता है। किसी भी संख्या के समय स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का जो अंतर हो वो 0 या 11 का गुणज हो, नंबर 11 से कट जाता है। यहाँ लिखा है 7, 5, 6, 8, 9, 6। 7, 5, 6, 8, 9, 6 ये किससे भाज है, 11 से। किससे भाज है, 11। देखो, इसका पहला स्थान, इसका तीसरा स्थान, इसका पांचवा स्थान, आपने इसको जोड़ा। जब आपने इसको जोड़ा तो 9, 6, 15, 15 और 7 कितना हुआ, 22 हुआ। अब देखिए, ये यहाँ पे क्या है, 5, ये कहाँ पे 8, ये क्या है 6। हमें जो ऐड करना है, जब ये ऐड करेंगे तो यहाँ पर ऐड होगा, तो ऐड हमें ऊपर करना है, ठीक है। अब क्या करना है, 8, 5 कितना हुआ 13, 13, 6 कितना हुआ 19, 19 में क्या जोड़ें तो आंसर हो गया 3। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 3। 11 का नियम सभी को पता है, संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो, नंबर 11 से कट जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला समझें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे ये है, दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, इनमें से यदि एक संख्या एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से किसी पक्षी के परों की संख्या और आपके हाथों की उंगलियों की संख्या की दुगनी के योग के भाग देने से प्राप्त होती है तो दूसरी संख्या क्या है। देखो, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, इस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, बाकी बिल्कुल कठिन नहीं है। क्वेश्चन ये बोला था, दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, दो संख्याएं हैं उनका जो गुणनफल है वो कितना है 48 है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला। इनमें से यदि एक संख्या एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से, एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से भाग देना, तो तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या 3, किससे भाग देना है, पक्षी के परों की संख्या और आपके हाथों की उंगली की संख्या को 2 से गुणा। ये हो गया क्या, 2 क्या हुए, पक्षी के परों की संख्या, आपके हाथ की उंगलियों की संख्या 5 में 2 जोड़ने पर, तो ये हो गया 12/3, कितना मिला है 4, कितना मिला है 4। एक नंबर आपको जब 4 मिल गया तो अगले नंबर की बात कर रहा है, 4 से भाग दे दिया तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 12। तो यहाँ पे अगली संख्या क्या हुई, 12, एक संख्या 4 है तो दूसरी क्या होगी, 12। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखें और समझें। सवाल ये बोला गया है 91, 92, 93, ……110 के बराबर है, योग पूछा है ना, तो यहाँ पे समांतर श्रेणी लगाना है। समांतर श्रेणी आप सभी को पता है क्या होता है, SN = n/2, 2a + n - 1 × d, ये होता है समांतर श्रेणी में पदों का योग। एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा होगा, SN = na + l/2, SN = na + l/2, जहाँ पे n है पदों की संख्या, a है पहला पद, l है अंतिम पद। अब देखिए सुने, यहाँ बोला 91 से लेके 110, तो यहाँ पे पदों की संख्या 20 हो गई है, पहला पद 91 हो गया है, अंतिम पद 110 हुआ है, और बटे कितना, आपने इससे काटा तो 10 मिला, ये कितना मिला, इसको आपने जब ऐड किया तो 110 और 91 आपको मिला 1, ये 9, 1, 10 हो गया, 201 गुणे कितना 10, क्वेश्चन का आंसर 2010। आंसर क्या है 2010, आपका सेकंड ऑप्शन ठीक है। फॉर्मूला क्या है, SN = na + l/2, जहां n है पदों की संख्या, a है पहला पद और l है अंतिम पद। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन देखें, अगला समझें। कह रहा है किसी दो अंकों की संख्या के दाही का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक है, यदि संख्या में 63 घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या के अदला बदली करने पर संख्या बन जाती है, संख्या का पता लगाएं। कुछ नहीं करना, बहुत आसान सवाल, सुनो। देखो उसने क्या बोला, दो अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक है, तो दहाई का अंक इकाई के मान से 7 अधिक एक ही ऑप्शन क्यों करे एग्जाम में, दहाई का मान इकाई के मान से अधिक 7 अधिक, क्वेश्चन हो गया खत्म। अब क्या कर रहा है, यदि संख्या में 63 घटा दें, आप जैसे इसमें 63 घटाओगे तो अंक पलट गए, क्वेश्चन का आंसर हो गया खत्म। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पढ़ ही चुके हो, आप लोग क्या पढ़ चुके हो, एक दो अंकों की संख्या और संख्या के स्थानों के पलटने से बनी संख्या का जो अंतर होता है वो हमेशा कैसे घटता है 9 से, और क्वेश्चन वहाँ से भी सॉल्व हो सकता था। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी कॉलेज में 1/5 लड़कियाँ हैं, 1/8 लड़कों ने
एक सामाजिक शिविर में हिस्सा लिया। कॉलेज में कुल कितने भाग छात्रों का शिविर में लिया हो गया? अच्छा सुनो, 1/5 लड़कियां हैं, ये लड़कियां हैं, और 1/8 क्या हैं, लड़के हैं। ये लड़कियां हैं और ये क्या हैं, लड़के हैं। एक सामाजिक शिविर में भाग लिया, कॉलेज में कुल कितने छात्रों ने भाग लिया? देखो सबसे आसान ये है, ये 8 है और ये क्या है, 40, 5 है। एक ऐसा नंबर मान लो जो इनसे कट जाए। आपने 40 मान लिया, तो यहाँ पे कुल लोगों को आपने 40 मान लिया। अब इसका कितने गुना था, 8 गुना, तो ये हो गया 8। इसका कितने गुना है, 5, ये हो गया 5। कितने लोगों ने हिस्सा लिया, 13। अब उसने बोला कितने लोगों ने हिस्सा लिया, 13, 40 में से। क्वेश्चन का आंसर खत्म। क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट देखिए, बेसिक सबको आता है, लोग जोड़ देंगे, घटा लेंगे, कर लेंगे सॉल्व, ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं, बात समझ में आ रही होगी। कितने लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, उसने ये पूछा होता, तो 40 में 13 ने लिया, तो बाकी कितने बचे, 27, उन्होंने नहीं लिया। समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, 121 से लेके 1346 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कीबोर्ड की बटनों को कितनी बार प्रेस करना होगा? मैंने इसका एक पूरा टाइप बनाया है, कीबोर्ड वाले क्वेश्चन का पूरा एक टाइप बनाया हुआ है, जिसमें सारे क्वेश्चन कीबोर्ड वाले ही हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन सुनना, सवाल क्या है देखिएगा, 121 से लेके 1346 तक की संख्याओं को लिखने के लिए एक टाइपराइटर की बटनों को कितनी बार दबाना होगा? पहले एक चीज़ सुनिए, देखो एक डिजिट के नंबर कितने होते हैं, 9, 2 डिजिट के नंबर 90, 3 डिजिट के नंबर 900, 4 डिजिट के नंबर 9000, 5 डिजिट बोले तो कितना हो गया, तो ये क्या है, एक अंक की कुल संख्याएं कितनी होती है, 9, 2 अंक की संख्याएं कितनी होती है, 3 अंक की संख्याएं, 4 अंक की संख्याएं और 5 अंक की संख्याएं। अब कहना क्या चाह रहा है, जैसे आप एक लिखोगे तो कीबोर्ड की बटन को एक बार दबाओगे, 2 लिखोगे तो बटन को एक ही बार दबाओगे, 3 लिखोगे तो एक बटन को एक ही बार दबाओगे, लेकिन जैसे 10 लिखोगे तो 1 और 0 आपने 2 बार दबाया ना, आपने 11 लिखा तो 1 और 1 2 बार दबाया ना, आपने 13 लिखा 1 और 3 तो आपने 2 बार दबाया ना, वैसे आपने 99 लिखा तो भी 2 बार दबाया, लेकिन जैसे ही आपने 100 लिखा तो कीबोर्ड की बटनों को 3 बार दबाया। अब सवाल ध्यान दीजिए, सवाल सुनिए, 121 से लेके 1346 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कीबोर्ड की बटनों को कितनी बार दबाना होगा? अच्छा देखो, 3 अंकों की संख्याएं जो होती हैं 900 होती हैं, तो मैं 121 से लिखना है, मतलब 120 इसमें से माइनस कर दो। क्यों, आपको 121 से लिखना है, मतलब 120 तक आप लिख चुके हो, तो टोटल नंबर होते हैं 900, 3 डिजिट के कुल नंबर कितने होते हैं, 900, जिसमें आप लिख चुके हो कितने, जिसमें सॉरी आपने जो 3 अंकों की संख्या, ध्यान देना थोड़ा सा गड़बड़ है, 3 अंकों की जो कुल संख्याएं हैं, 3 अंकों तक कुल संख्याएं वो होती हैं कितनी, 999। ये 3 डिजिट तक के टोटल लास्ट नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने 121 से लिखा है, मतलब जो इसके पहले आपने लिखा होगा वो 2 डिजिट का भी होगा, 1 डिजिट का भी होगा, तो आपने इसमें से जैसे इसको माइनस किया तो जो नंबर बचे वो जितने भी नंबर हैं सारे नंबर कैसे हैं, 3 डिजिट के हैं, ठीक। तो आपने माइनस किया, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 2 गया तो 7, और ये कितना मिला आपको, 8। ये नंबर जो हो गए ये 3 डिजिट के हो गए। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद ध्यान दें, इसके बाद सुने, आगे उसने बोला है कहाँ तक लिखना है, 1348 तक। अब देखो 1000 से लेके 1346 तक, तो नंबर कितने, 347 हुए, ये दिमाग लगाना। क्यों, उसने हमने 1000 से बोला ना, 1000 से तो प्लस 1 करना पड़ जाएगा, तो ये नंबर कितने हैं, 4, तो ये कितना हुआ, 8, और ये कितना हुआ, 7, लास्ट में क्या आ रहा है, 5, दो ऑप्शन में 5 है, तो गुणा करा लीजिए आप, इसका गुणा करा लीजिए, ये आएगा 2400 कुछ और ये आएगा 1200 कुछ, 2412 लगभग 3600 से ज़्यादा आएगा, तो बस सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए ये अप्रॉक्सीमेट 900, 2700, ये 350, तो आंसर कितना आएगा, 4000 कुछ क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ये नंबर 3 डिजिट का, ये नंबर 4 डिजिट का है। तीन अंकों की किसी संख्या को लिखने के लिए हमें कीबोर्ड की बटनों को 3 बार दबाना होगा, और लिखने के लिए 4 अंकों का हमें 4 बार दबाना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, सारे क्वेश्चन आप लोग समझिए कैसे करने होते हैं। ये क्वेश्चन भी 2019 के SSC के एग्जाम में आया, बहुत आसान सवाल है, केवल दिमाग लगाइए। देखो यहाँ पे आप इसको लिखना चाहें, क्या लिखोगे इसको, आप इसको लिख सकते हो 10000 - 3, क्या लिख सकते हो, 10000 - 3 इनटू, इसको क्या लिख सकते हो, 10000 - 10000 - 3, ऐसा लिख सकते, प्लस 3, तो ये लिखा था आपका 10000 - 3, 10000 + 3, a+b, a+b, a² - b² तो यहाँ पे देखो एक के बाद जब इसका स्क्वायर अप करोगे, a² - b², तो यहाँ 4 जीरो हैं, तो जीरो कितने हो जाएंगे, 8,
तो आपने आठ जीरो लिखे, माइनस क्या कर दिया, नौ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे जो टोटल नंबर है नौ नंबर में से एक गया, तो क्वेश्चन में कितने अंक होंगे, आठ अंक होंगे, कितने होंगे आठ, तो दो दो चार दो छः दो आठ, दो दो चार दो छः दो आठ, ये गलत है, क्यों, लास्ट में क्या होगा, वन जो होगा वो एक ही बार होगा, वन कितनी बार होगा, एक ही बार होगा, तो देखो जिसमें आपने घटाया तो कितना आ जाएगा वन, इसके बाद क्या होगा, कैरी कितना लोगे, तो कैरी आ जाएगा आपका नाइन। हाँ ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी करना था, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला है क्वेश्चन नंबर आपका आठ। ठीक है, तो ये सवाल क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कैसे करना है, कह रहा है एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 58 गुने से 3/4 बड़ी है, वह संख्या कौन सी है। तो एक संख्या अपने व्युत्क्रम से, ध्यान दीजिएगा, तो अगर उसको बेसिक करना चाहें तो कैसे करेंगे, एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 58 गुना, तो अगर संख्या आपने कुछ भी मानी, संख्या का व्युत्क्रम तो यही होता है ना, अब इसका 58 गुने से कितनी बड़ी है, 3/4, आप इसको सॉल्व कर लो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ये क्वेश्चन का बेसिक मेथड हो गया। ऑप्शन से करना चाहें तो ऑप्शन उठा के देखें, जैसे 8 का व्युत्क्रम 1/8 का 58 गुना का जब आप अंतर निकालोगे, देखना आप इसे दो से काटें तो दो से काटा कितना मिला 26 और दो से काटा कितना मिला 4, 8 चौके 32, 32 में 26 गया, 32 में से 26 गया तो कितना मिला, 32 में से 26 गया तो आपको कितना मिला 6, और 6/4 का मतलब 3, 6/4 देखिए एक मिनट, 8 चौके 32 आपने इसे दो से काटा, दो से काटने से कितना मिलने वाला है, हाँ गड़बड़ हो गया है ना, 29 मिलेगा, कितना मिलेगा 29। ठीक है, अब क्या किया, ये हो गया 32, 32 में से कितना गया तो ये मिला आपको 3/4, 3/4 जैसे ही मिला क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हो और चाहो तो आराम से बेसिक सॉल्व कर सकते हो, आप जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कह रहा है 325 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या, आपको पता है मैं आपको गुणनखंड सारे बता चुका हूँ, आप सभी को पता है कैसे करते हैं। ठीक है, आप अगर नहीं आता है तो ध्यान दीजिए, आपको मैंने समझा दिया इसके फैक्टर कर लेते हैं, और फैक्टर कैसे करते हैं, जैसे आप अगर कुछ नहीं पता है तो आप इसे 5 से भाग दें, आपने जैसे जैसे 5 से भाग दिया, भाग कितनी बार गया 6 बार, फिर आपने दिया 5 से भाग तो ये फिर कितना गया 5, फिर आपने 5 से भाग दिया कितना मिला 13, तो ये क्या मिला 5 की पावर 2 गुणे कितना मिला 13, पावर में एक जोड़ते हैं, इसकी पावर में एक जोड़ा, 3 दुनी कितना 6, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 6, इसके धनात्मक गुणनखंड कितने होंगे 6, ये वही है ना अपवर्त वाले क्वेश्चन, तो अगर आपने अपवर्त नहीं पढ़ा उसका वीडियो देख लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये सवाल भी सेम ऐसे ही समांतर श्रेणी से है, कैसे करना है, देखिए यहाँ पे पहले पद की बात करें, वही समांतर श्रेणी में पदों का योग Sn बराबर Na प्लस L बाई 2, बस A और L बाई 2 आप लोग सॉल्व कर लेंगे, उम्मीद है ये बात समझ आपको आ गई होगी। जैसे अब देखो 31 से लेकर 57 बोला, तो अगर टोटल पदों की बात करो तो आप क्या करो 57 - 31 + 1 कर दो तो टोटल पद आ जाएंगे। ठीक है, इतना तो क्लियर है ना, तो ये कितना आ जाएगा 7 में से 1 गया 6, और ये कितना आ जाएगा 7 में से 1 गया तो 6, और ये कितना मतलब 5, ये आपके टोटल पद आ गए 26 + 1 टोटल मतलब 27 हो गए। सॉरी यहाँ पे चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो अंतर है वो 2 का है, कितने का है 2 का है, तो यहाँ पे इसका अंतर 26/2, 26/2 कितना किया 13, और 13 में एक जोड़ा टोटल पद कितने आए 14, कुल पद कितने आ गए 14, तो यहाँ पे आपने लिखा 14, ए पहला पद है 31, लास्ट पद क्या है 57/2, बस ये आपके क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 2 से काटा कितना मिला 7, तो ये कितना मिला 7 और 1 = 8, 5 + 3 कितना हुआ 5 + 3 भी आपका 8 हुआ, गुणे कितना करना है 7, 7 + 8 = 56, इकाई का मान 6, एक ही ऑप्शन में है, क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। उम्मीद है आप लोग कॉन्सेप्ट सीख पा रहे होंगे, सारे आसान सवाल थे आज। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन देखें, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1192 है, यदि एक संख्या दूसरे का दुगना है तो संख्याओं का योग, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या करना है, एक नंबर दूसरे का दुगना है और दोनों का गुणा बोला है 1152, आपने इसे 2 से भाग दिया तो ये आपको कितना मिल जाएगा 576 मिल जाएगा, 576 किसका स्क्वायर है 24 का, तो एक नंबर आ गया 24, अगला नंबर आ गया 24 का दुगना 48, इन दोनों का योग पूछा है, क्वेश्चन का आंसर 72, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। देखो सिंपल सा जोड़ना है, आप लोग इसे जोड़ लेंगे, कुछ नहीं करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, सिंपल सा जोड़ना है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो उम्मीद आपको कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, देखो इकाई का मान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2019 के SSC के एग्जाम में आया, कैसे करना था देखो 3 × 6 कितना हुआ 18, कह रहा है एन का मान वो रखो जिससे इकाई का मान n+2 मिल जाए, एन का मान वो रखो जिससे इकाई का मान n+2 मिल जाए, तो यहाँ पे 8 है 6 रखो,
आठ छंग कितना हुआ 48, छः कैसे रखा ऑप्शन से थोड़ा सा मजदार बनिए, तो आठ छंग 48 और n प्लस टू मतलब हमें 8 मिल गया, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 6। उम्मीद है समझ में आ गया, वो क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। आज के क्वेश्चन थोड़े आसान हो गए, कल के वीडियो में आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल इतना है, उन संख्याओं का योगफल क्या है। देखो दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल, दो लगातार सम नंबर हैं जिनका गुणनफल आपको बोला है। आप चाहो तो सिंपल सा एग्जूम भी कर सकते हो, जैसा कि आपको पता है कि 40 गुणे 42 होता या 42 गुणे, देखो 40 के पास ही हम क्यों पहुँचे, दो सतत संख्याएं बोली हैं और उनका औसत जो योग गुणनफल है वो 168 बोला है। कितना बोला है 168, ठीक है। देखो 12 गुणे कितना 14, तो इसका मल्टीपल हो गया कितना 168, सिंपल सा हो गया खत्म, ठीक है। अब से इतना आसपास कैसे पहुंचे, तो कॉमन बहुत छोटा सा नंबर दिया गया है, इन दोनों के योग की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 26, ये आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ऐसा गलती से नहीं करना, नंबर यहाँ पे एज्यूम कर लो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन तुम लोग तुम्हारी आदत क्या है, आप लोग क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हो, दो सतत सम संख्याओं का मल्टीपल ये एक्स का मान निकालने लगते हो, ठीक है। ऐसी गलती मत करें, थोड़ा सा समझदार बने। अगला क्वेश्चन है, सात संख्याओं का समुच्चय माध्य कैसी है, किसी एक संख्या को हटाया जाता है तो शेष का औसत 78 हो जाता है, हटाई गई संख्या क्या है। देखो उसने क्या बोला, सात नंबर है, नंबर कितने हैं सात, सात नंबर का जो माध्य है, माध्य का मतलब औसत से है, ठीक। तो यहाँ पर जो इसका औसत आपको बोला गया है वो कितना बोला गया है 81, कितना बोला गया 81। अब एक संख्या को हटाया जाता है तो शेष संख्याओं का माध्य 78 हो जाता है। अब देखो उसने एक जो नंबर गया है, जो भी नंबर यहाँ से गया वो 81 अपना तो लेके गया, प्लस बाकी 6 लोगों के औसत को 3 कम कर गया। पहले औसत 81 था, अब 78 हो गया है, पहले से 3 कम कर गया, 3 कम 6 का कर गया तो 18 कम किया, क्वेश्चन का आंसर 99, तो आंसर हो गया जो संख्या हटाई गई है वो कौन सी है 99। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15, उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन तो बार वाला क्वेश्चन है, कि ध्यान दीजिए थोड़ी यहाँ पे गलती हुई है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर जो बार होगा ये ऊपर लगा होगा, ये बार यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है, आप लोग इतना समझदार हैं इतना कर लेंगे, ठीक है। आपको बताए बार का मतलब क्या होता है, नंबर पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, कैसे करना होगा ध्यान दीजिए समझिए। देखिए 22.4 बार का मतलब आप इसे 4 4 4 ऐसा लिखते जाइए, ये क्या हुआ 33 माइनस का है ना, ये माइनस का है ध्यान दीजिएगा, 33 वाला वैल्यू माइनस की है, तो ये हो गया 5 9, यहाँ पे रिपीट क्या होगा 9, क्योंकि बार केवल 9 के ऊपर है। आगे क्या लिखा है 11.5, ये लिखा है 6 7 6 7, यहाँ रिपीट क्या होगा 6 7, आपने इसे सॉल्व किया, ठीक है। जैसे आपने सॉल्व किया देखो तो ये कितना 33, ये कितना 33 माइनस 33, ये तो 0 हो गया, ये बात तो समझ आ गई होगी। अब देखना, देखो ये यहाँ पे ये वाली वैल्यू माइनस की है, प्लस की है, प्लस की है, आपने इसको जोड़ा कितना हुआ, तो आपने जैसे इसको जोड़ा तो 7 4 कितना हुआ 11, 11 में से 9 गया कितना मिला 2। अब आपने क्या किया देखो 6 4 10 में 9 गया 1 मिला, इसके बाद देखिए 7 4 11 11 में से 11 में से 9 गया, फिर 2 मिला, फिर कितना मिला 1 मिला, मतलब 1 2 रिपीट हो रहा है, 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 1 2 के ऊपर बार होगा, क्वेश्चन का आंसर खत्म। लेकिन आप लोग क्या करते हैं इसे फ्रैक्शन में पूरा चेंज करते हैं, बाद में इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो मेथड गलत नहीं है लेकिन आपका टाइम लेता है, तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट सीख पा रहे होंगे और आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं ये क्या बोला गया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा पहले समझिएगा। कह रहा है जब दो संख्याओं की एक संख्या को उसके अंकों के योगफल से गुणा कराया जाता है तो उसका गुणनफल 424 आता है। इसके अंकों को परस्पर पलटने से प्राप्त संख्या अंकों के योगफल से गुणा किया जाता है तो गुणनफल 280 प्राप्त होता है। उस संख्या के अंकों का योग क्या है पूछा है, उस संख्या के अंकों का योग क्या है, करने का मेथड क्या है, ध्यान दीजिए सुनिए समझिए। देखिए कैसे करना है, देखिएगा कैसे करना है, ध्यान दीजिए समझिएगा, ठीक है। पहले मिलता है आपको कितना 424, फिर मिलता है 280। अच्छा मैं यहीं पे लिखने की कोशिश करता हूँ, देखिए क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूँ, आप लोग थोड़ा समझदार बनिए, कोशिश करिएगा, यहीं सॉल्व करते हैं, ठीक है। टू डिजिट नंबर पता है एक्स वाई है, इसकी प्लेस वैल्यू 10x है, ये वाई हो गई, ये संख्या हो गई, अंकों के योग से गुणा कराया, तो ऐसा आपने गुणा कराया, पहले जो आपको मिला है वो 424 मिला, ये आपको 424 मिला, ठीक है। आगे बोला इन संख्याओं को परस्पर पलटने से प्राप्त संख्या का योग जो है गुणा करने पर 280 है। देखो इनको पलटा तो 10y प्लस x हुआ, ये बात समझ आ रही है ना, फिर क्या लिखा है x प्लस y है, और यहाँ पर जो लिखा गया है वो कितना बोला गया है 280 बोला गया है। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ने से x प्लस y कॉमन आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा 11x प्लस y आ जाएगा। ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, देखो सुनना दोबारा समझना, x प्लस y इससे कॉमन आ गया, ये हो गया 11x और 11y 11 कॉमन आ गया।
आपने इन दोनों को जोड़ा तो ये कितना मिल जाएगा, 0, 8, 2, 10 का 1, 8, 2, 10 का 1, कैरी कितना, 1, 4, 2, 6, 1, 7 मिला। आपने इसे 11 से भाग दे दिया, आपने जैसे इसे 11 से भाग दिया ये बन गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दो बार लिखा है। अब 11 से भाग दिया तो 11 से भाग दिया तो आपको 714 मिला लगी, ठीक है। 11 से भाग दिया, 11 संख 66, 11 चौको 44, ठीक है। अब देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान ये है, तो x प्लस वाई का मान कितना आया, 8। आपके क्वेश्चन का आंसर 8 है। एक बार दोबारा समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए देखो, टू डिजिट नंबर होती है एक्स वाई, टू डिजिट नंबर क्या होती है, एक्स वाई। इसका स्थानीय मान वाई है, इसका स्थानीय मान 10x है, संख्या क्या है, 10x प्लस वाई है। अब इसमें अंकों का योग किया, अंकों का योग किया, पहले आपको मिला है कितना, 424, बाद में क्या मिला है, आपने इसको लिखा 10y प्लस x लिखा और इनका गुणा कराया, तो आपको जो योग मिला है वो कितना मिला है, आपको आपको दिया गया है क्वेश्चन में कितना, 424 पहले था और बाद में कितना मिला है, 280 मिला है। तो बस समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर सॉल्व कर लिया क्वेश्चन का आंसर, उम्मीद है समझ में आ गया। वो ये भी क्वेश्चन SST के एग्जाम में लास्ट ईयर आया हुआ है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या है, 38 को एक संख्या से विभाजित करने पर 90 भागफल के रूप में प्राप्त होता है, 19 को मिलाया जाता है तो संख्या क्या होगी। देखिए सुने समझें, सवाल क्या है, 38 को एक संख्या से विभाजित करने पर 90 भागफल प्राप्त होता है, 19 से इस फल, अरे ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, ध्यान दीजिए। 38 से एक संख्या को भाग दिया तो जो भागफल हमें मिला है वो 90 मिला है और शेष फल क्या मिला है, 19। इसका गुणा इसमें प्लस ये इकाई का मान 9 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, खत्म, आंसर हो गया। तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या है, 700 से लेके 950 तक मिलाकर ऐसी कितनी संख्या है जो ना ही 3 से भाज्य है ना ही 7 से। उम्मीद है ये क्वेश्चन समांतर सीरीज का आप लोग कर पाओगे, कोशिश करना सॉल्व करना और इसका आंसर कमेंट करना, कोशिश करना, ठीक है। अब देखो ऐसे जितने भी सवाल हैं वो आप लोग करिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर कमेंट करिए। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको सिखा दूंगा, टाइप पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन बच्चों है क्या, ये शास्त्री क्वेश्चन सारे आसान हो गए थे, कल के बैच में क्वेश्चन मैं सारे अच्छे लूंगा। वह राशि 11 से कट जाए क्या जोड़ना है, उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 100 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि 6 से कट जाए, अच्छा आसान सा क्वेश्चन है, 2 जोड़ दो, ठीक है।